हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी आइडियाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपने यूट्यूब करियर का जो भी टाइम मैंने स्पेंड किया है यूट्यूब में, उसका एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स इसलिए आए हैं इस वीडियो में कि मैं आज कोई टेक, कोई गैजेट या कोई एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि आज ऐसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ मैं अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो अपना करियर यूट्यूब में स्टार्ट करना चाहते हैं, या वो लोग जो कुछ महीनों से अपना करियर यूट्यूब में स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दिया है, अपलोड कर दिया और कुछ वीडियोस डाल चुके हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपना यूट्यूब करियर शुरू हुए लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से, आप कह सकते हैं 6 से 7 महीनों से, मेरी कोई वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में जो भी मैंने वीडियोस वगैरह डाली वो थी, उसके बाद 6-7 महीने का भी एक बहुत लंबा जो गैप होता है वो गैप आया मेरी लाइफ में, और मैं काफ़ी लंबे टाइम तक यूट्यूब में कोई वीडियो डाल नहीं सका या यूट्यूब में एक्टिव नहीं रह सका। तो बेसिकली आज मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों दोस्तों 7 से 8 महीने पहले मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था। और जैसे मैंने अपना YouTube करियर स्टार्ट किया, मैं बहुत एक्साइटेड था। काफ़ी चीज़ें मैंने रिसर्च की, काफ़ी चीज़ें देखा और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली, और वो सारी नॉलेज लेकर मैं पहुंच गया YouTube करियर स्टार्ट करने। स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस वगैरह डाली, मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया और मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस जैसे ही मैंने अपलोड की, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक बिगिनर जब वीडियोस बनाता है तो उसके वीडियोस पे 100 व्यूज़ आने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, बट मेरे साथ बहुत पॉजिटिव रहा। मैंने जैसे ही वीडियोस अपलोड की, मेरी स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो ने 1K 2K क्रॉस किया, मुझे अच्छे फॉलोवर, मुझे सब्सक्राइबर अच्छे मिलने लगे। तो उन वीडियो का ऐसा रिस्पॉन्स हुआ कि मेरे कुछ ही महीनों में, मतलब आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 महीनों में, लगभग 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। अब आ रही थी वॉच टाइम की, 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे मेरे 1 से 2 वीडियो में, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दोस्त वगैरह थे, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं सबको अपने दिल से थैंक्स कहता हूँ जिन्होंने भी मुझे उस टाइम पर सपोर्ट किया था। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा, काफ़ी पॉजिटिव रहा मेरे लिए, बहुत अच्छा रहा। तो उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई बीच में, मेरे फादर की तबीयत ख़राब, उन्हें मेडिकल इशूज़ वगैरह हो गए, हेल्थ इशूज़ हुए, मेरी वाइफ प्रेगनेंट, और भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कुछ वीडियोज़ बनाने के बाद मैं कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों जो भी मैंने हासिल किया था इन 1 से 2 वीडियो में, जो मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिले थे, अच्छा वॉच टाइम हो गया था, व्यूज़ वगैरह अच्छे मिल गए थे, तो जब मैंने वीडियोस डालना बंद किया तो धीरे 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 वो चीज़ें खत्म होती चली गई। या फिर आप ये कह सकते हैं कि देखिए, कोई भी सब्सक्राइब अगर आपके चैनल को करता है तो उसको चाहिए अच्छे कंटेंट, उसको चाहिए डेली बेसिस पे वीडियोज़। मतलब अगर कोई आपका चैनल सब्सक्राइब कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि उसे पता है कि इस चैनल पर हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और अगर उसने सब्सक्राइब किया है तो उसे मिलना भी चाहिए। तो मैंने जब वीडियो बनाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर जो हमारे थे उन्होंने अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ, ये रेशियो इतना ज़्यादा है कि मान लीजिए मेरे 1100 सब्सक्राइबर हो चुके थे 1 से 2 महीने में, और 80% सब्सक्राइबर ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। तो मेरा जो कहना है वो सिर्फ ये है, जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी सक्सेस आपको देता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत की ज़रूरत है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम में 1-2 वीडियो डाल डाल के कर लेंगे धीरे धीरे, तो वो बहुत ज़्यादा गलत वे में चल रहे हैं। उनको ज़रूरत है कि खुद को ठीक करें, अच्छे से रिसर्च करें, दोबारा आएँ, क्योंकि वो दौर अलग था जब यूट्यूब पर आप पार्ट टाइम कर सकते थे, कभी एक वीडियो डाल दिया, कभी दूसरा वीडियो डाल दिया। अब ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरे से हो गई थी कि मैं यूट्यूब में टाइम नहीं दे पाया था, जॉब, फैमिली, इन सब चीज़ों में, और जो मेरी बेटी हुई थी उस चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने लग गया, और फिर धीरे 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 सारी चीज़ें डाउन चली गई, सब्सक्राइबर चले गए, व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा गिर गए, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। बट मैंने फिर से दोबारा एक नया स्टार्ट किया है और मुझे पता है मैं कर लूँगा, क्योंकि अब मैंने फुल टाइम इसे करना शुरू कर दिया। मतलब जो मैं एक नॉर्मल 1 वीडियो पर डे का सोच के चल रहा था, या 1 वीडियो 2 दिन में सोच रहा था, अब मैंने सोच लिया है कि पर डे वीडियो तो डालना ही डालना है। और जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, जो भी नए अभी यूट्यूब में आने की सोच रहे हैं, उनको मेरी तरफ से एडवाइस है, एज ए थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो भी मुझे मिला है, कि अगर आप यूट्यूब में आने की सोच रहे हैं तो आपको चाहिए कि कंसिस्टेंसी रखें,
कंटिन्यू वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं, ठीक है, फालतू का कंटेंट ना डालें, अच्छी चीज़ें डालें, तभी आप यूट्यूब में ग्रो कर सकते हैं, यूट्यूब में आप अपना करियर बना सकते हैं। वरना एक दो वीडियो डाल के और कभी कभी वीडियो डाल के ऐसे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये टोटली टाइम वेस्ट है। ये कुछ महीने मेरी लाइफ के वेस्ट हो गए हैं, 6 से 7 महीने जो मैंने वेस्ट किए हैं, उसका मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। तो बस यही चीज़ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर YouTube करियर आपको स्टार्ट करना है तो प्रॉपर वे में करें, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करें और लग कर कंटिन्यू करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही चीज़ मैं शेयर करना चाहता था कि जो भी नया यूट्यूबर जो भी आए, जो भी कोई अगर यूट्यूब करियर स्टार्ट करना चाहता है, उसको पता चले कि बेसिकली है क्या। ऐसे नहीं चलेगा, टाइम लेके कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर कोई अगर सब्सक्राइब करता है उसके चैनल को, तो उनको ये कंटेंट देना ही देना पड़ेगा अपने सब्सक्राइबर को। आप डेली बेसिस पे दे, डेली बेसिस पे नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही था, यही आज का इंपॉर्टेंट मैसेज था उन लोगों के लिए जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से जो ये सोच के आए थे कि आज कुछ वीडियो पे कुछ आपको एक्सपेरिमेंट या फिर कोई टेक वीडियो मिलेगा। ये टेक वीडियो और एक्सपेरिमेंट वीडियो आती रहेंगी, डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा कि मैं डाल सकूं, और कोशिश रहेगी कि एक से ज्यादा मैं आपको वीडियोस दे सकूं पर डे। बट आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए जो नया अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अगर ऐसा कोई है जिसे मेरी वीडियो से फायदा मिला है या जिसे अभी नया स्टार्ट करना था, तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो ऐसी चीजें होंगी मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बाकी टेक और एक्सपेरिमेंट के लिए आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।